Okay, let us do this question. A perfectly rough circular horizontal board is capable of revolving freely round a vertical axis through the center. Okay. A man whose weight is equal to that of the board walks on end around it at the edge. When he has completed the circuit, what will be his position? Okay. So basically हमें ये एक board given है. Okay. एक बोर्ड गिवन है, इस पे कोई बॉय है, ये मास एम का है. अगर बोर्ड का मास एम है तो ये जो बॉय है या जो मैन है इसका मास भी एम ही है. ठीक है, तो ये इसमें इसके जो सर्कमफ्रेंस पे ये वॉक कर रहा है, तो हमें ये बताना है कि ये जब वापस मतलब जहां पे इसकी इनिशियल पोजीशन है, लेट अस से कि ये हमारे पास ये बोर्ड है, ये फाई एंगल से मूव कर गया. ठीक है, ओके. और जो ये बॉय है ये थीटा एंगल से मूव करके यहाँ पे आ गया एट टाइम टी वन, एट टी इक्वल्स टू टी वन मान लो ये पोजीशन है. तो हमें ये बताना है कि ये जो है हाँ ये मैन यहाँ पे है, दिस बॉय इज हियर. ओके, सो हमें ये बताना है कि ये वापिस यहाँ पे जब आएगा, सर्किट कंप्लीट करेगा, ये सर्किट कंप्लीट करेगा तो उसमें उस समय इसकी पोजिशन क्या होगी. ओके ओके, सो बेसिकली जब ये वापस इधर आएगा तब तक तो ये भी मूव कर चुका होगा एंड ये बोर्ड भी मूव कर चुका होगा. तो हमें बेसिकली ये थीटा बताना है कि थीटा उस समय स्पेस में थीटा क्या होगा इसका. ओके, सो इसमें वही है, पहले तो लेट अस टेक बोर्ड, बोर्ड के जो इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं. ठीक है, तो ये हमने देखा था कि रिजिड बॉडी है बोर्ड, तो इसके लिए क्या होगा, आई एल्फा ये दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्सेज, दैट शुड बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज. अच्छा, इस पे देखो ये जो मैन है ये एफ, मान लो इसमें फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन इसको मूव करेगा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा इस पे, बोर्ड पे भी. ठीक है, सो अगर बोर्ड की बात करें तो इस पे ये फ्रिक्शन लग रहा होगा यहाँ पे. ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस ऑब्वियसली. ठीक है, तो अगर इसका सेंस देखें इस एक्सिस के अबाउट, तो ये फ्रिक्शन का सेंस क्या है, नेगेटिव है. सो दिस विल बी माइनस एफ इनटू दिस डिस्टेंस, लेट अस से आर रेडियस है इसकी जो ये बोर्ड है, सो एफ आर. तो ये हो गया. और आई क्या होगा, अबाउट ओ जेड ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड मतलब क्या है, ये डिस्क है. सो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये हमने डिस्कस किया था, 1/2 एम आर स्क्वायर होता है. सो दिस इज 1/2 एम आर स्क्वायर. और एल्फा क्या होगा, बोर्ड के लिए हमने देखा कि फाई एंगल से मूव, फाई एंगल पे टाइम टी पे, सो चेंज ऑफ डबल चेंज ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इट्स एंगुलर एक्सलेशन, दैट इज इक्वल्स टू माइनस एफ आर. ये हो गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ बोर्ड, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बोर्ड, ये मोमेंट लिया हमने. सो ऐसे ही अगर इसके लिए जो बॉय है इसके लिए देखेंगे, तो ये बॉय जो है इसका तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर, बिकॉज ये थीटा है, इसमें चेंज एक टी टाइम टी वन पे हमने इसका थीटा एज्यूम किया है. ओके, इस पे वर जो फ्रिक्शन है ये बेसिकली ये फ्रिक्शन की वजह से ये चल पा रहा है, तो ये इसकी डायरेक्शन ये है, तो इसका सेंस क्या होगा, दिस इज एंटी क्लॉक वाइज, सो बेसिकली प्लस होगा. तो इसका मोमेंट अगर दिया खसा है तो ये होगा एफ आर, पॉजिटिव होगा ये. और ये क्या होगा, इसमें अगर देखा जाए यहाँ पे जो इस पे इफेक्टिव फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो ये टेंजेंशियल जो भी है इसका वो एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया अल्फा आर. ओके, और उसका मोमेंट क्या होगा इनटू आर, सो ये हो गया हमारे पास एम अल्फा, तो डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर हो गया और आर स्क्वायर. आई होप क्लियर, आर तो हमने कैपिटल लिया. सो ये हो गया, बस ये दो इक्वेशन हो गई हमारे पास, दिस इज फॉर द बॉय एंड दिस इज फॉर द बोर्ड. अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे हम लोग तो ये क्या होगा, 1/2 एम आर स्क्वायर डी स्क्वायर फाइव डी टी स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर. ठीक है, एक बार प्लस एफ आर एक बार माइनस, तो ये हो गया जीरो. ओके, सो बस इसका मतलब, और ये सब एम आर स्क्वायर दीज आर कॉन्स्टेंट टर्म्स, सो बेसिकली हमारे पास हो गया ये डी स्क्वायर फाइव डी टी स्क्वायर ट्वाइस डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो. ओके, अब इसको इंटीग्रेट किया जाए, अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए. ओके, सो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी फाइव बाई डी टी प्लस टू डी थीटा बाई डी टी
इक्वल्स टू सम कांस्टेंट लेट अस से सी है, ओके। पर देखो इनिशियली तो बोर्ड भी रेस्ट पे है और द बॉय भी रेस्ट पे है, तो व्हेन टी इक्वल्स टू जीरो देन दिस टी ओमेगा इज जीरो फॉर बोथ, ओके। सो सी इज जीरो, सो ये हो गया जीरो। अगर इसको और इंटीग्रेट करें हम तो फाइव प्लस टू थीटा इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, अगेन इनिशियली जब टी जीरो तब फाइव भी जीरो एंड थीटा भी जीरो, सो अगेन दिस न्यू कांस्टेंट विल बी जीरो। सो हमारे पास इक्वेशन आ गई फाइव प्लस टू थीटा इक्वल्स टू जीरो। अब सेकेंड थीटा और फाइव में हमें, अच्छा हमें चाहिए क्या, हमें थीटा चाहिए एक टाइम जब ये पूरा सर्किट कंप्लीट कर लेगा बॉय, तो उस समय जो इसकी थीटा होगी वो हमें चाहिए, बिकॉज थीटा इज द कोऑर्डिनेट जो हमें बताएगा कि बॉय कहाँ पे है, ठीक है। अच्छा जब पूरा सर्किट कंप्लीट करेगा ये तब कब करेगा, जब ये पूरा टू पाई यहाँ से होके, टू पाई तो हो गया ये, ठीक है। सर्किट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, टू पाई यहां से ये हो रहा है ना, तो टू पाई प्लस ये फाइव मीन्स थीटा क्या है उसको टू पाई प्लस फाइव होना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा सर्किट कंप्लीट होगा, ठीक है। सो यहां से बस ये हो गया हमारे पास टू। अब इन दोनों को सोल्व करके हमें थीटा देखना है, ठीक है। सो अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये क्या आएगा, टू थीटा प्लस थीटा इज थ्री थीटा इक्वल्स टू टू पाई, राइट। सो यहाँ पे थीटा क्या आ गया, टू पाई बाई थ्री, ओके। सो जब सर्किट कंप्लीट करेगा ये बॉय तो उस समय इसका जो थीटा होगा मीन इनिशियल पोजिशन से ये टू पाई थ्री एंगल पे होगा, यहाँ पे यहाँ होगा, यही होगा ये। सो यही पोजिशन हमें पूछी गई, ओके। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन, ओके। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, दिस वन, ओके। रोड ए बी इज फ्रीली मूवेबल ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन हुज इंक्लिनेशन टू द होराइजन इज अल्फा, ओके, एंड हुज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, एंड द रोड इज फिक्स्ड एट दिस फिन थ्रू विच इट मूव्स, ओके। द बार इज हेड इन हॉरिजॉन्टल पोजिशन इन द प्लेन एंड अलाउड टू फॉल फ्रॉम दिस पोजिशन, इफ थीटा इज एंगल थ्रू विच इट फॉल फ्रॉम रेस्ट देन शो दैट, ओके। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक प्लेन है, इस टाइप से एक प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है, ओके, एंड इस पे एक रोड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसका ए एंड ए है, ये बी है, इनिशियली ऐसे रखी हुई है, ठीक है। देन ये यहाँ से रिलीज की जाती है तो एक कुछ एंगल थीटा पे आके रुक जाएगी, ठीक है, ये यहाँ पे आके रुक जाएगी, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये ओमेगा वेलोसिटी कुछ गेन करेगी बीच में, इनिशियली तो ओमेगा जीरो होगा और जब यहाँ रेस्ट पे आएगी तब भी ओमेगा जीरो होगा, बट इन बिटवीन देयर विल बी सम ओमेगा, राइट। ओमेगा इज नथिंग बट टी थीटा बाई डी टी, राइट। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आएगा, डी ओमेगा बाई डी टी, और दिस कैन बी रिटन एज डी ओमेगा डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दिस इज ओमेगा डी ओमेगा बाई टी थीटा, ओके, दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा फर्दर देखो इस पे जो यहाँ मिड पॉइंट है, मान लो जो रोड है इसका मास एम है और लेंथ एल है, ठीक है। तो अगर इसका मिड पॉइंट होगा यहाँ पे, इस पे मास होगा, ठीक है। सो मास क्या होगा, इस प्लेन जो है ये प्लेन पे है ये रोड, तो मास कैसे होगा, ऐसे होगा, ये जो है हॉरिजॉन्टल है मीन्स ये हॉरिजॉन्टल, तो इससे परपेंडिकुलर होगा ये, तो अगर इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर देखा जाए तो दिस एंगल इज अल्फा, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एम जी कोस अल्फा वर्क करेगा और अलोंग दिस प्लेन एम जी साइन अल्फा वर्क करेगा। हमने एम जी को प्लेन के अलोंग एंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट लिख दिए, ठीक है। अब देखो ये जो एम जी साइन अल्फा है ये इस जो ये ग्रेटेस्ट स्लोप की लाइन है, ग्रेटेस्ट स्लोप की जो लाइन है, ग्रेटेस्ट स्लोप की लाइन ऑफ दिस प्लेन उसके अलोंग है एम जी साइन अल्फा, मीन्स ये ऐसा कुछ है इस मिड पॉइंट से ऐसा कुछ ये वर्क कर रहा होगा एम जी साइन अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये लेंथ क्या होगी, दिस इज एल बाई टू नहीं दिस इज थीटा, तो ये क्या होगी एल बाई टू कॉस थीटा, ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आता है। फर्दर जब ये रोड ऐसे मूव कर रही है बिकॉज ये जो प्लेन है दिस इज नॉट स्मूथ, यहाँ फ्रिक्शन है, तो इस पे यहाँ इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रोड के परपेंडिकुलर फोर्स एफ लग रहा होगा, ओके। सो अब देखो अब अगर वी नो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रोड अगर देखा जाए तो ये क्या आएगा, आई ए जेड इंटू एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एल, ये हमने देखा है, मीन्स ये ए जेड मीन्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो पी एक्सिस है ए जेड उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ए बी रोड का इंटू इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू एल, एल क्या होता है मोमेंट ऑफ
मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ओके, और इसमें एक्सटर्नल फोर्स देखो, इस प्लेन के अलोंग देखा जाए तो mg sin अल्फा है एक तो, ठीक है, जो कि l by 2 cos थीटा डिस्टेंस पे एक्सिस az से, ठीक है। तो इसका अगर ये देखा जाए, इसकी डायरेक्शन ये है और इसके अबाउट इसका मोमेंट देखना है, तो इसका रोटेशन का जो सेंस है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो प्लस हो जाएगा mg sin अल्फा। अच्छा, ये अल्फा ना लेके वी शुड टेक सम अदर एंगल इसको, क्योंकि अल्फा हमने एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए डिनोट किया है, तो लेट अस टेक दिस एज बीटा, राइट। सो जहां अल्फा है वहां बीटा कर देते हैं कंफ्यूजन को हटाने के लिए, राइट। दिस इज बीटा, ये तो थीटा, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, सो दिस इज बीटा। ओके, हाँ, सो एम जी साइन बीटा इंटू ए एल बाई टू कोस थीटा, ये हो गया मोमेंट ऑफ एम जी साइन बीटा, राइट, वो इसका सेंस पॉजिटिव है। अब दूसरा एक्शन फोर्स इस प्लेन पे क्या, फ्रिक्शन है, और ये क्या है, इसके अबाउट देखा जाए तो दिस इज क्लॉक वाइज, ये सेंस है इसका, तो माइनस एफ। और इस फोर्स की इस एजेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, एल बाई टू है, ये तो रोड के परपेंडिकुलर वर्क कर रहा है, सो दिस इज एल बाई टू इक्वल्स टू आई ए जेड इंटू एल्फा, एल्फा को वी कैन राइट ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। ओके, आई होप ये यहाँ तक क्लियर है। बस अब क्या है, बस अब इसको सोल्व कर देना है। एफ क्या है, अच्छा, इसमें जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन, एन इज नॉर्मल ऑन द रोड, नॉर्मल रिएक्शन जो होगा, अच्छा, ये जो रोड है इस प्लेन पे रखी हुई है, तो इसमें नॉर्मल फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स एन लग रहा है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर दूसरा नॉर्मल फोर्स क्या है, mg cos अल्फा, mg cos बीटा है, दिस mg cos अल्फा इज परपेंडिकुलर दिस प्लेन, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, यहाँ पे ये स्मूथ हिंज है, तो यहां से जो भी रिएक्शन लग रहा होगा वो रोड के अलोंग ही होगा, राइट। सो बेसिकली यहां से हमारे पास आ गया एन इज नथिंग बट एम जी कोस बीटा, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो म्यू एम जी कोस बीटा, ये हमारे पास आ गया फ्रिक्शन। ओके, तो यहाँ पे बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, सो एम जी साइन बीटा एल बाई टू कोस थीटा माइनस एफ इज म्यू एम जी कोस बीटा इंटू एल बाई टू इक्वल टू आई ए जेड ओमेगा डी ओमेगा, अगर इंटीग्रेट किया जाए तो ये विद रिस्पेक्ट टू थीटा, राइट, डी थीटा। अब देखो इसमें, अब देखो इनिशियली ओमेगा जीरो था, एंड में भी ओमेगा जीरो है, इसका मतलब ओमेगा गोइंग फ्रॉम जीरो से जीरो, तो ये एक्सप्रेशन जीरो हो गया, और इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा एक्सप्रेशन करना, इनिशियली थीटा वाज जीरो जब रोड यहाँ पे थी, थीटा जीरो था, और जब रेस्ट पे आती है तो थीटा थीटा है, सो दिस इज एम जी साइन बीटा एल बाई टू कोस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कोस बीटा एल बाई टू, यहाँ पे ये सब विद रिस्पेक्ट टू थीटा कॉन्स्टेंट है, डी थीटा का सिंपल थीटा हो जाएगा, लिमिट जीरो से थीटा दिस इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, नाउ अब देखो इसमें एम जी दोनों में कॉमन है, एल बाई टू दोनों में कॉमन है, सो ये तो जीरो हो गया, इधर जाके जीरो से डिवाइड होके, सो दिस इज वॉट वी हैव साइन बीटा इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कोस बीटा इंटू थीटा दिस इज इक्वल्स टू जीरो। So from here what we can say that sin theta is equals to mu cos beta into theta divided by sin beta. Okay, or we can say sin theta divided by theta equals to mu divided by tan beta. Okay, yehi prove karna tha hame. Okay, I hope samajh aa gaya. Okay, so it's a good question. Theek hai. अच्छा यहाँ पे देखो alpha हमने omega d omega by d theta क्यों लिया, क्योंकि omega से omega zero हो रहा था तो वो टर्म जीरो हो जाएगा। ओके, टी का कोई मतलब ही नहीं था हमें, प्रूव में भी देखो प्रूव में ओनली थीटा एंड बीटा जो इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन है वो इन्वॉल्व है। ओके, सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ओके, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ओके, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम इज अटैच्ड टू अ पॉइंट इन एट द एज ऑफ द डिस्क। ओके, If the position of particle is at an angle alpha from vertical when the motion starts, find the angular velocity when m is at the lowest position. Mass of disk is capital M. Okay, so तो simple है, क्या क्या बोला हुआ है कि एक disk है, ठीक है, और ये इस axis के about rotate कर रही है, ये जो axis है इसके plane के perpendicular है और इसके center से pass हो रहा है। Okay, अगर ये मान लो एक्स वाई प्लेन है disk का, तो ओ जेड है ये axis. Okay, और यहाँ जो ये वर्टिकल है,
दिस इज वर्टिकल राइट, इससे जो है जो वर्टिकल से अल्फा एंगल पे है एक मास एम अटैच है इनिशियली, ठीक है, या अटैच्ड है इसका मतलब ये यहीं रहेगा, ठीक है। अब ये जो लेट अस से कि ये रोटेट करने लगी है, मींस इसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी आ जाता है, तो ये मास जब एम यहां पे आ जाएगा तो उस समय इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा ये पूछा हुआ, ठीक है। द क्वेश्चन इज आस्किंग कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी व्हेन द मास इज एट द लोवेस्ट पॉइंट जो एम अटैच्ड है, ओके। तो हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी ये क्या था, ये हमने देखा था 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ओके। सो अच्छा, और इसमें देखो, इसमें एक तो पार्टिकल एक बॉडी है, ठीक है। सो वी नो दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, ओके, ये होता है भाई, ये तो एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन, ओके। सो इसमें देखो, इनिशियली अगर टी बराबर जीरो पे देखा जाए तो उस समय क्या था, ये पार्टिकल एम अटैच था डिस्क पे, देर वॉज नो एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, दोनों रेस्ट पे थे। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के जीरो इज जीरो, के नोर इज जीरो, ठीक है। अगर टाइम टी पे काइनेटिक एनर्जी क्या है इसकी, हमें लोएस्ट पॉइंट पे एम जाएगा तब चाहिए, तो लेट अस से इस समय इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो ये अगर ओमेगा है, ये लेट अस से रेडियस आर है इसकी, तो यहाँ पे जो इस पार्टिकल एम की जो वेलोसिटी होगी क्या होगी, आर ओमेगा होगी भाई, वी नो दैट वी वेक्टर इज नथिंग बट ओमेगा क्रॉस आर इन सर्कुलर मोशन, तो यहाँ ओमेगा आर साइन 90, सो ये हो जाएगा, ठीक है। सो अच्छा, ये हो गया, हाँ। अब देखा जाए तो यहाँ पे जब टाइम टी पे 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस डिस्क, तो दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, जब यहाँ पे ये पार्टिकल होगा उस समय ओमेगा हमने डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी ली है, ओके, बेसिकली ये ओमेगा ही हमें पता करना है। सो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर तो होगी डिस्क की काइनेटिक एनर्जी प्लस इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, स्मॉल एम इंटू इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, वी स्क्वायर, वी क्या है यहाँ पे, आर ओमेगा, v of this particle is r omega, right? v is nothing but r omega. So ये हो गया r omega का square, ठीक है, ये time t पे हो गया, तो change in kinetic energy क्या हो गया, यही हो गया, क्योंकि initial तो zero थी, 1/2 I, I क्या है इसमें, I of this disk about axis which passes through its center and perpendicular to its plane is 1/2 mr square, ये तो हमने discuss किया है, into omega square plus 1/2 small m r square w square, ये हो गया, this is the change in kinetic energy. अब हमें देखना है वर्क डन, ओके, इस टाइम टी में वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो भी होता है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बेसिकली एफ डॉट डीएस होता है, ठीक है। अगर मान लो ये फोर्स है या ये फोर्स है मान लो, और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, तो एफ डॉट डीएस वर्क होता है, मीन्स एफ डॉट डीएस क्या होगा, एफ डीएस कॉस थीटा, ठीक है। अगर ये ds है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाया जाए, ये थीटा है, तो ये क्या होगी, ds cos थीटा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके। सो फोर्स क्या है यहाँ पे, फोर्स तो ये mg है। अच्छा, डिस्क की पहले बात कर लेते हैं, डिस्क का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ पे है, और ये डिस्क कितनी रोटेट करे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो इसका फिक्स्ड ही है, ओके। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्क के लिए तो जीरो है, सो वर्क डन बाय डिस्क तो हो गया जीरो, ओके, बिकॉज ग्रेविटी मूव ही नहीं कर रहा उसका, तो हमारे पास सिर्फ ये पार्टिकल है, इसके द्वारा जो वर्क होगा वही टोटल वर्क डन हो जाएगा सिस्टम का, ठीक है। अब देखो, इसमें mg ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में इस पे लग रहा होगा, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमें देखना है, ये इनिशियली इस डायरेक्शन में देखा जाए तो यहाँ पे पार्टिकल है, अभी यहाँ पे आ गया, सो ये डिस्टेंस ही है हमें बस। वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज नथिंग बट mg, ये फोर्स है, इनटू ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये आर है, अच्छा ये आर है, ये अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, आर कोस अल्फा, दिस इज आर कोस अल्फा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। सो ये होगी डिस्टेंस हमारे पास, आर प्लस आर कोस अल्फा, ओके, बस हो गया हमारा काम। अब हमें क्या करना, बस ये जो डेल्टा के है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ओके, फॉर द फोल सिस्टम, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, अगर इसमें ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, 1/4 M प्लस स्मॉल एम बाई टू इक्वल्स टू स्मॉल एम जी आर कॉमन आ गया 1 cos alpha, ओके। और देखो, एक आर से एक आर कैंसिल कर सकते हैं, और तो कुछ है नहीं, स्मॉल एम जी 1 cos alpha को 2 cos square alpha by 2 लिख सकते हैं,
और ये हो गया हमारे पास ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई आर एम, अगर फोर से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्मॉल टू एम डिवाइड बाई फोर, मीन्स यहाँ चला जाएगा फोर। सो यहाँ से ओमेगा क्या आ गया, स्मॉल एम जी। और रूट लेंगे तो ये कोस अल्फा बाई टू ही बचेगा, एट का रूट क्या आएगा, टू रूट टू, सो टू रूट टू डिवाइड बाई रूट आर कैपिटल एम प्लस टू एम। तो ये ओमेगा रहेगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ये रहेगी जब मास एम लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा। सो आई होप ये समझ में आया। सो आसान है। सो दिस वाज द यूज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, सो बस।